आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रहार, ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव का दावा गुब्बारे की हवा की तरह है। यूपी की राजनीति में सपा का भविष्य अंधकार में है। डिप्टी सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का 2024 के लिए दावा गुब्बारे में हवा की तरह है। यूपी की राजनीति में सपा का भविष्य अंधकार में है। सपा का वास्तविक चरित्र अपराधियों का साथ, परिवार का विकास, पिछड़ा और अनुसूचित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट के माध्यम से वो नजर आए। यूपी की राजनीति में सपा का भविष्य उन्होंने अंधकारमय बताया है। सपा का वास्तविक चरित्र अपराधियों का साथ, परिवार का विकास, पिछड़ा और अनुसूचित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के साथ चट्टान की तरह है। आगे बढ़ेंगे तो अमेठी में भाजपा आज बड़ी रैली करने जा रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हो रही इस रैली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी शामिल होंगे। अमेठी में राजनीति को साधने के लिए बीजेपी पूरे एक्टिव मोड में है। 10 दिन के अंदर दूसरी बार शाहनवाज हुसैन अमेठी पहुंच रहे हैं। तो अमेठी में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रैली, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी रैली में शामिल होंगे, संबोधित करेंगे और कई बड़े नेता भी इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह रैली की जा रही है जिसमें सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। 10 दिन के अंदर दूसरी बार शाहनवाज हुसैन अमेठी पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। यूपी में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे का सहारा ले रही है। कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना पर जोर दे रही है और उसकी मांग है कि आरक्षण में 50% की लिमिट को खत्म किया जाए, पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए और अति पिछड़े आरक्षण के लाभ से वंचित ना रहे। इसके साथ ही कांग्रेस का जातीय जनगणना को लेकर 7 मंडलों में कांग्रेस जातीय जनगणना कराओ आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। आज कानपुर में सम्मेलन होना है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार कांग्रेस का प्लान क्या है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा की घेराबंदी, आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग पर जोर देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जातीय जनगणना कराओ आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन किया जा रहा है। 7 मंडलों में जातीय जनगणना के मुद्दे पर सम्मेलन किया जाएगा। आरक्षण में 50% की लिमिट को खत्म करने की मांग की जाएगी। इसी के साथ साथ पिछड़ों और अति पिछड़ों के सहारे 2024 की लड़ाई लड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो अपनी पैठ को कैसे बरकरार रखना है, कैसे मजबूत करना है, इसकी तैयारी कांग्रेस भी अब करने लगी है। जहां जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।